आप सभी को प्रणाम आलोक, मेरा नाम, और अब तक सही और अच्छी जानकारी पहुंचाना मेरा काम। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल से संबंधित और नवीनीकरण से संबंधित नई जो जानकारी निकल के आई है, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल आलोक जी चैनल पे आपको लाइसेंस संबंधित नई और अच्छी जानकारी डेली मिलती रहती है। तो इसी के रिगार्डिंग दोस्तों नई खबर निकल के आई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आप रिन्यूअल करवाने के लिए अगर आप जाना चाहते हो या फिर आप अपने डीएल का नवीनीकरण कराना चाहते हैं, उसमें कोई त्रुटि है, कोई करेक्शन है, उसी को नवीनीकरण बोला जाता है। तो आप नवीनीकरण कराएंगे, उसमें अपना कोई ब्लड ग्रुप आप ऐड करवाना चाहते हैं, ऑर्गन डोनर उसमें ऐड करवाना चाहते हैं, एड्रेस में कुछ करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर आप कोई और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम है दोस्तों अपने ड्राइविंग लाइसेंस, उसको आप करेक्शन करवाएंगे, तो यही नवीनीकरण के अंतर्गत आता है। तो आप नवीनीकरण कराने के लिए दोस्तों और रिन्यूअल से संबंधित यहाँ पे जो बड़ी खबर निकल के आई है वो मैं आपको बताता हूँ। तो लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अभी कभी लाइक करना आप भूल जाते हो, लाइक करें, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख लें। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं यहाँ पे कि जो नई खबर निकल के आई है दोस्तों ये है कि अभी दोस्तों आपका ग्रेस पीरियड बढ़ा दिया गया है। पहले के टाइम में ग्रेस पीरियड जो लाइसेंस रिन्यूअल और नवीनीकरण जो होता था दोस्तों, उसमें ग्रेस पीरियड सिर्फ 30 डेज़ का था, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस जैसे आपका एक्सपायर हो गया है या फिर आप कोई भी उसमें चेंजेस करवाना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों आपको पहले से आपको टाइमिंग भी दी जाती थी कि पहले आप वहाँ पे एक्सपायर जैसे हो गया आपका लाइसेंस रिन्यूअल के लिए, तो आप 30 दिन के पहले अप्लाई कर दीजिएगा रिन्यूअल के लिए या फिर 30 डेज़ बाद। तो ये दो वहाँ पे आपको टाइमिंग मिलती थी, यानी कि 30 डेज़ की आपको टाइमिंग मिलती थी ग्रेस पीरियड में। तो वही ग्रेस पीरियड दोस्तों अभी बढ़ा के 1 ईयर कर दिया गया है। अब आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल अगर आप करवाना चाहते हो तो आप 1 साल पहले से भी आवेदन कर सकते हो और 1 साल बाद आवेदन कर सकते हो, आपको 1 साल का ग्रेस पीरियड मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों, इसी बात वीडियो को लाइक करने हैं, आप लाइक करना भूल जाते हो इस बात पर, वीडियो को लाइक करें, चैनल बनना हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोजाना दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। 7 महीने से पर डे कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने आपकी वीडियो ना बनाई दोस्तों। किसी भी सिचुएशन में रहूं, कहीं भी रहूं, तबीयत सही ना हो, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन सब चीज़ें अपनी तरफ और आप लोगों के लिए सेवा और आपके लिए वीडियो एक तरफ। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें अभी इसी बात पर दोस्तों, आपने नहीं किया है तो 100 के हम जल्दी से टच करें दोस्तों। तो यहाँ पे यही बड़ी खबर निकल के आया है, ग्रेस पीरियड आपका बढ़ा दिया गया है, 1 साल तक ये ग्रेस पीरियड बढ़ाकर कर दिया गया है। पहले 30 दिन था, तो अभी आपके लिए सहूलियत भी हो गई है। तो इसके साथ ही साथ दोस्तों और बहुत सी चीज़ें वहाँ बदली हुई हैं, जैसे कि आपका 1 साल के अंदर आप रिन्यूअल करवाते हो तो आपको कोई चार्जेस वगैरह आपको नहीं देना पड़ेगा, 1 साल के अंदर में सिर्फ जो रिन्यूअल फ़ीस है वही आपको देना पड़ेगा। 1 साल बाद अगर आप रिन्यूअल करवाने के लिए जाते हो तो फिर आपको पैसे भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, टेस्ट वगैरह आपको पूरा नए तरीके से पूरा रिन्यूअल होगा, लर्निंग लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा। तो इसी के रिगार्डिंग दोस्तों ये नई खबर निकल के आई है, नवीनीकरण यानी रिन्यूअल आप करवाना चाहते हो या फिर कोई करेक्शन वगैरह करवाना चाहते हो तो करेक्शन से संबंधित जो नया नियम आया है वो भी आप जान लीजिए। करेक्शन करवाने के लिए दोस्तों पहले के टाइम में आपको ऑफलाइन विजिट करते थे आप दोस्तों, तो इस टाइम में दोस्तों अब आप ऑनलाइन ही आवेदन कर पाओगे करेक्शन के लिए भी। पहले करेक्शन के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस जो कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप विजिट करके ही ऑफलाइन आप उसको सुधरवा सकते थे, लेकिन आप अभी आप ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे जो नवीनीकरण डीएल होगा दोस्तों या फिर आप करेक्शन करवाना चाहते हो उससे संबंधित। ये दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई थी रिन्यूअल और नवीनीकरण यानी करेक्शन संबंधित, तो इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया कि आपका ग्रेस पीरियड उधर बढ़ा दिया गया है, इधर आप दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे अपने डीएल में कोई भी करेक्शन वगैरह आपको करवानी हो तो। तो दोनों खबर अच्छी लगी हो, कुछ जानने को सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब नए हो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सुझाव हो तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ज़्यादा बात करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, @TechnicalAlokji हैंडल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो अभी मिलता हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।